हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीटेक। सीटेक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्रॉपिंग टूल के बारे में। क्रॉपिंग टूल किस तरीके से हम यूज करते हैं और किस तरीके से यूज करके हम उस पर्टिकुलर इमेज को ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और दोस्तों, वीडियो देखने के बाद अगर आपको कोई सा भी डाउट है, ठीक है, तो आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा और आपको बताऊंगा, ठीक है। और अगर आपको इस टूल से पहले जो भी जिस टूल्स के बारे में मैं पिछले वीडियो में मैंने बताया है, जैसे लेसर टूल, मैजिक वैंड, फ्री टूल, अगर इनके बारे में जानना है तो आप मेरे पुराने वीडियो को फॉलो कीजिए और वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आपको नहीं मिलता तब भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक मैं यहाँ पे न्यू फाइल ले लेता हूँ। न्यू फाइल लेने के बाद ये है क्रॉपिंग टूल, इस पर आप क्लिक कीजिए। सपोज दैट मान लीजिए मेरे को इस पर्टिकुलर इमेज को कट करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल इसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके एंटर मारना है। अब जैसे एंटर मारेंगे वो पर्टिकुलर एरिया को जिसको आपने सेलेक्ट किया है उसको कट करेगा और जितने उसके अलावा जो भी पार्ट है वो सबको डिलीट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको क्या किया, कट करने के बाद इसको मैंने पकड़ के यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ये देखिए यहाँ पे प्लेस हो चुका है ये। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ आपको पूरा दिखाने के लिए। यहाँ पर देखिए मैंने इसको छोटा कर लिया। देखिए यहाँ से कट करके मैंने यहाँ रख लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको कट कर सकते हैं और कट करके कहीं भी प्लेस कर सकते हैं या इस पर्टिकुलर एरिया को कट कर सकते हैं। सपोज दैट मेरे को इस पर्टिकुलर प्लेस को कट करना है, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, एंटर करूँगा। ये देखिए इसको क्या किया, इसने कट कर दिया, ठीक है। अब इसको मेरे को ड्रैग करना है तो मैं यहाँ से पकड़ूँगा, इसको यहाँ पर प्लेस कर दूँगा। इसको छोटा कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्योंकि ये साइज इसकी बड़ी है तो पता नहीं चल रहा। मैं दिखाता हूँ, ये देखिए इतने पोर्शन को मैंने कट किया था, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इसका हम क्रॉप टूल का यूज करते हैं इमेज को क्रॉप करने के लिए। आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा इसका यूज क्या है, ठीक है। तो इसका काम बेसिकली होता है क्रॉपिंग करने के लिए, इमेज को क्रॉप करने के लिए हम यूज करते हैं। सेकेंड टूल्स है इसमें स्लाइस। यहाँ देख रहे हैं आप स्लाइस सेलेक्ट टूल, ठीक है। तो स्लाइस का बेसिकली जो काम होता है वो हम इस एक इमेज को कई सारे पार्ट में स्लाइस, मतलब उसको अलग अलग काटना, स्लाइस करना, ठीक है। इसका जो बेसिकली यूज होता है वो होता है वेब डिजाइनिंग में। हम किसी इमेज को पर्टिकुलर प्लेस से काटते हैं और उसको अपने वेब डिजाइनिंग में यूज करते हैं, या स्लाइस जो भी होता है उसका अलग अलग स्लाइस को हम यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं बताता हूँ वो कैसे यूज होता है। चलिए यहाँ पे हम स्लाइस पे गए। स्लाइस पे जाने के बाद हम इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। देखिए ब्लू कलर का आ रहा है, यहाँ पे मैंने लिया, इसको भी इधर से स्लाइस कर दिया, इधर भी आ गया, इधर भी मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अभी देखिए चार तरफ से स्लाइस हो गया, ये पोर्शन स्लाइस हो गया, ये स्लाइस हो गया, इधर भी स्लाइस, ये भी स्लाइस। अगर इसको आपको देखना है कैसे होता है तो ये आपको कंट्रोल एस करेंगे तो नहीं दिखेगा, ठीक है। इसको कंट्रोल ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एस करना पड़ेगा, सेव फॉर वेब करना पड़ेगा। आप जैसे सेव फॉर वेब करेंगे ये सारे पार्ट को वहाँ पर एक अलग फोल्डर में शो करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर सेव किया, ये देखिए यहाँ पर मांग रहा है, डेस्कटॉप पर गया, इस नाम से सेव होगी, HTML स्लाइस, क्लिक किया रिप्लेस। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से स्लाइस हुआ है, इसको बंद करता हूँ मैं। राइट क्लिक कीजिए, ओपन कीजिए इसको। देखिए यहाँ पे चला गया, ये थोड़ा सा
इसमें कोई दिक्कत आ गई, मैं आपको दिखाता हूँ। सेव फॉर वेव, ये सेव नहीं होगा सही से, मैं दिखाता हूँ कैसे सेव करना है। जोर से हैंग कर रहा है यहाँ पे, इसको मैं इमेज फॉर्मेट में सेव किया, ठीक है। मैं इसको रिप्लेस, इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया, ये देखिए सारे पार्ट को स्लाइस कर दिया इसने, जो यहाँ पे इमेज था पूरे इमेज को स्लाइस कर दिया इसने। ये था भी इसका पोर्शन, इसको देखिए इसने स्लाइस कर रखा है, ये यहाँ पे था इसको ऐसे कर दिया स्लाइस, सारे पार्ट को इसने स्लाइस कर दिया, अलग अलग पार्ट को स्लाइस करके सेव कर दिया। ये पहले का था, ये अभी का करंट का जो मैंने अभी इसको स्लाइस किया, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्लाइस करते हैं और इसका यूज हम वेब डिजाइनिंग के लिए करते हैं, उसमें बेसिकली हमारा यूज होता है, ठीक है। तो अगेन आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ना दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन उसका पहुंच सके और आप उसका फ़ायदा उठा सके, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।